क्या आपकी एक मेजर प्रॉब्लम बन चुका है सन टैनिंग या फिर पिगमेंटेशन और डिस्कलरेशन ऑन योर फेस, अन इवन स्किन टोन हो गई आपके फेस पे एंड आप उससे बहुत परेशान हो और बहुत सारी रेमेडीज यूज़ कर चुके हो, तो आज की वीडियो है आपके लिए। वेलकम बैक टू माई चैनल। मेरे चैनल का नाम है नोना व्लॉगर। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल पर मैं लेके आती हूँ बहुत ही अमेजिंग सी DIY होम रेमेडीज़ फॉर योर स्किन एंड फॉर योर हेयर। तो अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए, एंड अगर आप मेरे चैनल के साथ ऑलरेडी जुड़े हुए हैं सो थैंक यू सो मच। सो आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक बहुत ही बेहतरीन सी DIY होम रेमेडी, एक बहुत ही कॉमन इशू के बारे में जो मैं खुद बहुत फेस करती हूँ एंड आई एम श्योर आप लोग भी फेस करते होंगे, विच इज़ सन टैनिंग। हमारी स्किन जो है वो उसका जो टेक्सचर है वो अनइवन हो जाता है, डिस्कलरेशन हो जाता है हमारे फेस के ऊपर, या फिर ओवरऑल हमारे फेस का जो कॉम्प्लेक्शन है वो डार्क हो जाता है ड्यू टू UV रेज या एक्सपोजर टू सन। तो उस टाइम पे जो वो टैनिंग होता है उसको रिमूव करना इट बिकम्स अ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क, एंड आज जो मैं आपको रेमेडी दिखाने वाली हूँ वो इसी कॉमन इशू को एड्रेस करने वाली है एंड यू विल हैव अमेजिंग रिजल्ट्स फॉर योरसेल्फ। सी, टैनिंग एक ऐसा प्रॉब्लम है जो बहुत इजीली नहीं जाता है, इट टेक्स टाइम, बट अगर आप रिलीजियसली इस रेमेडी को फॉलो करेंगे तो आपको डेफिनेटली रिजल्ट्स मिलेंगे। यू हैव टू फॉलो दिस रेमेडी जितने टाइम में मैं आपको बताऊंगी, एंड देर आर ओनली 3 स्टेप्स, बहुत ही सिंपल से स्टेप्स हैं जो आपको फॉलो करने हैं, एंड यू कैन रिमूव दैट वो ज़िद्दी सी जो एक परत टैनिंग की आपके फेस के ऊपर आ गई है उसको आप इजीली रिमूव कर सकते हैं। सो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि सन टैनिंग जो है उसको रिमूव करने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, बहुत ज़्यादा एफर्ट लगता है एंड इट टेक्स टाइम टू गो। सो उससे उसका जो बहुत ही सिंपल सा एक प्रिकॉशनरी मेजर आप ले सकते हो वो है कि आप इस सन टैनिंग को अवॉइड करें, सन एक्सपोजर को अवॉइड करें, जितना हो सके कम धूप में जाएं, एंड जब भी जाएं यू शुड मेक इट अ पॉइंट कि आप सनस्क्रीन अप्लाई करके ही जाएं। विदाउट सनस्क्रीन आप स्टेप आउट ना करें सन में, एंड सर्दियों की धूप हम सबको अच्छी लगती है बट आई विल जस्ट टेल यू कि जो सर्दियों की धूप है वो आपके लिए बेनिफिशियल होती है या तो मॉर्निंग में सनराइज़ के बाद वाले कुछ आवर्स में या फिर सनसेट से पहले वाले कुछ आवर्स में। जो हार्श धूप होती है जो ड्यूरिंग दी आफ्टरनून होती है वो आपके लिए उतनी बेनिफिशियल नहीं होती है, एंड जितना वो बेनिफिट करती है उससे ज़्यादा वो हार्म करती है आपकी स्किन को। सो आई वुड से अवॉइड गोइंग आउट इन द सन ड्यूरिंग द आफ्टरनून। अगर आप जा रहे हैं तो अच्छे से अपने स्किन के ऊपर सनस्क्रीन की एक लेयर लगा के जाइए, वेयर सन ग्लासेस सो दैट आपको वो डार्क सर्कल्स या फिर डिस्कलरेशन नहीं हो एंड योर आइज़ आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम दैट सन रेज, हार्मफुल सन रेज, एंड अप्लाई अ सनस्क्रीन एंड कवर योर फेस और योर हैंड्स और वट एवर स्किन पार्ट विच इज़ एक्सपोज टू सन विद समथिंग। वेयर अ स्कार्फ, वेयर अ हैट, या फिर जो भी मतलब आप कुछ ना कुछ वेयर करके रखिए जिससे आप उसको प्रोटेक्ट करें सन से। सो दीज आर फ्यू प्रिकॉशनरी मेजर्स विच यू कैन टेक एंड अवॉइड द सन टैन। अगर आप कहीं बाहर घूमने जा रहे हैं वेयर यू विल गेट एन एक्सपोजर टू वाटर एंड सन एट द सेम टाइम, आई वुड से कि आप सनस्क्रीन तो अप्लाई करें ही बहुत सारा, बट यू अप्लाई कोकोनट ऑयल ऑल्सो। कोकोनट ऑयल जब आप अप्लाई करते हो अपनी स्किन पे तो वो एक बैरियर बना देता है आपकी स्किन के बीच में एंड वाटर के बीच में, तो जो भी वाटर में हार्मफुल सॉल्ट्स और उनका रिएक्शन होता है आपकी स्किन के ऊपर उसके बीच में एक बैरियर क्रिएट हो जाता है। तो हमेशा आप ऑयलिंग करके और सनस्क्रीन अच्छे से लगा के ही स्टेप आउट करें। सो आप काफ़ी हद तक टैनिंग तो फिर भी होगा बट काफ़ी हद तक आप उसको कम कर सकते हैं। लेकिन अब आप बोलेंगे कि टैनिंग हो गया तो क्या करें, सो नो प्रॉब्लम, स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना है। अगर टैनिंग हो भी ले गया है तो मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ एक अमेजिंग सी DIY रेमेडी इस टैनिंग को रिमूव करने के लिए एंड आपकी स्किन को इवन आउट करने के लिए। आज की रेमेडी में बहुत ही ईजी से 3 सिंपल स्टेप्स हैं जो आपको करने हैं। फर्स्ट स्टेप वुड बी क्लिनजिंग, सेकेंड स्टेप वुड बी स्क्रबिंग, एंड थर्ड स्टेप वुड बी टू अप्लाई अ फेस मास्क। क्लिनजिंग तो आई टेल यू इन ऑल माई रेमेडीज़ की कोई भी अगर आप ब्यूटी रेमेडी अप्लाई कर रहे हैं अपने फेस के ऊपर या करने का सोच रहे हैं तो क्लिनजिंग इज़ अ वेरी फर्स्ट एंड इम्पॉर्टेंट स्टेप। अपनी स्किन को अच्छे से क्लीन करेंगे, अपने फेस को अच्छे से क्लीन करेंगे सो दैट नेक्स्ट जो भी आप इन्ग्रीडियंट्स या जो भी स्टेप्स अपनी स्किन के ऊपर करने जा रहे हैं
वो इजीली पेनिट्रेट करें आपकी स्किन के ऊपर। योर स्किन इज एब्सोल्युटली क्लियर टू अप्लाई दोज इंग्रेडिएंट्स। ठीक है, तो पहले स्टेप में हम करेंगे क्लिनजिंग। क्लिनजिंग करने के लिए आपको लेना है बहुत ही सिंपल से दो इंग्रेडिएंट्स। हमारे आज के जो ये पूरा ट्रीटमेंट है, जो पूरी रेमेडी है, उसका जो मेन इंग्रेडिएंट होगा वो होगा टोमेटो। तो यहाँ पे आपको लेना है एक मीडियम साइज़ का टोमेटो, उसको आप 4 halves में कट कर लीजिए एंड उसको आप ग्राइंडर में ग्राइंड करके उसका एक पल्प निकाल लीजिए। एंड ये टोमेटो का जो पल्प निकल के आएगा, यही हमारे आज के तीनों स्टेप्स के अंदर हम यूज़ करेंगे, बिकॉज दिस इज़ द मेन इन्ग्रीडियंट टू ट्रीट सन टैनिंग। ठीक है, तो क्लिनजिंग के लिए हम लेंगे यहाँ पे 1 spoon ऑफ दिस टोमेटो पल्प जो आपने ग्राइंड किया है और जो निकल के आया है। इसके अंदर हम ऐड करेंगे 1 spoon ऑफ मिल्क। मिल्क वी आर एडिंग बिकॉज मिल्क एंड कर्ड बोथ आर वेरी रिच इन लैक्टिक एसिड एंड मिल्क इज़ अ वेरी गुड क्लिनजर। मैं अपनी बहुत सारी रेमेडीज़ में इसको एज अ क्लिनजर यूज़ करती हूँ। जनरली भी मुझे जब अपने फेस की कभी क्लिनजिंग की रिक्वायरमेंट लगती है या मुझे कुछ ऐसा नेचुरल इन्ग्रीडियंट चाहिए होता है अपने फेस को क्लिनज करने के लिए, तो आई ऑलवेज टर्न बैक टू मिल्क। मैं एक मिल्क लेती हूँ, एक बाउल में एक कॉटन डिप करती हूँ एंड अपने पूरे फेस को अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ। मिल्क से अच्छा क्लिनजर आपके फेस के लिए हो ही नहीं सकता। ठीक है, एंड ये बहुत इजीली सबके घर में आई एम श्योर अवेलेबल होता ही है पूरा टाइम। तो यहाँ पे आप लेंगे 1 spoon ऑफ मिल्क एंड इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे इस मिक्सचर को। एंड अब आप लेंगे एक कॉटन बॉल या फिर एक टिश्यू ले लीजिए एंड इसमें डिप करके आपको अपने पूरे फेस को अच्छे से वाइप आउट करना है एंड क्लीन करना है विद दिस मिक्सचर। आप चाहे तो हाथों से भी कर सकते हैं, बट टिश्यू से या फिर कॉटन बॉल से क्या होता है, जो भी आपके इम्प्योरिटीज़ या डर्ट या फिर क्लॉग्ड पोर्स हैं वो अच्छे से क्लीन आउट हो जाते हैं जब आप उसको वाइप करते हैं। ठीक है, तो एक टिश्यू को आप इसमें डिप कर लीजिए। मेरे पास कॉटन बॉल्स मेरी फिनिश हो गई थी, सो आई एम यूजिंग अ टिश्यू। अगर आपके पास कॉटन बॉल्स हैं तो दे आर रेडीली अवेलेबल इन द मार्केट एंड दे आर वेरी गुड फॉर क्लिनजिंग। इसमें डिप करके आप पूरे अपने अच्छे से अपने अंडर आइज को, अपने आईलिड्स को, अपने पूरे फेस को, अपनी नेक को आप अच्छे से क्लिनज करेंगे। वंस यू आर डन विद द क्लिनजिंग, विल प्रोसीड टू आर नेक्स्ट स्टेप विच इज़ स्क्रबिंग। नाउ फॉर द स्क्रबिंग, आपको अपना फर्स्ट इन्ग्रीडियंट जो लेना है वो ऑफकोर्स आज का हमारा मेन इन्ग्रीडियंट है टोमेटो जूस। तो आपको यहाँ पर लेना है 1 spoon ऑफ टोमेटो जूस और उसके अंदर आपको ऐड करना है हमारा सेकेंड इन्ग्रीडियंट फॉर स्क्रबिंग विच इज़ राइस फ्लोर, चावल का आटा। अगर आपके पास चावल का आटा अवेलेबल नहीं है तो आपके घर में जो भी राइस अवेलेबल है, ब्राउन राइस नहीं होना चाहिए, वाइट राइस जो भी अवेलेबल है उसको आप थोड़ा सा क्वांटिटी ले लीजिए ग्राइंडर में एंड उसको ग्राइंड कर लीजिए एंड फाइन पाउडर में उसको ग्राइंड कर लीजिए एंड दैट इज़ योर राइस फ्लोर। तो यहाँ पर आप लेंगे 1 spoon ऑफ राइस फ्लोर। राइस फ्लोर यहाँ पे हमें दो चीज़ों में हेल्प कर रहा है। एक तो स्क्रब के लिए आपको कुछ ऐसा चाहिए होता है इंग्रेडिएंट जो ग्रैनुलेटेड फॉर्म में हो या जिसमें टाइनी पार्टिकल्स हो जो आपकी स्किन के ऊपर एक फ्रिक्शन प्रोवाइड कर सके फॉर दैट स्क्रबिंग पार्ट। एंड सेकेंडली, राइस फ्लोर हैज़ एक्सट्रीमली गुड एंटी ऑक्सीडेंट्स एंड ये आपकी स्किन के ऊपर लाइटनिंग इफेक्ट देता है, आपके डार्क स्पॉट्स को रिमूव करने में हेल्प करता है, आपके स्किन के कॉम्प्लेक्शन को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। तो इसलिए यहाँ पे ये दोनों पार्ट में आपको हेल्प करने वाला है। सो वील प्रिपेयर दिस स्क्रब, इनको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। अगर आपको लग रहा है कि इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी डो फॉर्म में हो रही है या मोटी फॉर्म में हो रही है तो आप इसके अंदर थोड़ा और पानी ऐड कर सकते हैं या फिर रोज़ वाटर ऐड कर सकते हैं एंड इसको आप अच्छे से ब्लेंड करेंगे एंड आपका स्क्रब रेडी है। नाउ आप अपने फेस के ऊपर लाइट हैंड से पूरे सर्कुलर मोशन में अपने पूरे फेस को स्क्रब करेंगे। जो आपके प्रॉब्लम एरियाज़ हैं मेनली आप उनको ज़्यादा टारगेट करेंगे, जैसे फॉर मी इट इज़ माय दिस नोज़ रीज़न या फिर मेरा चिन का एरिया है, यहाँ पे मुझे ज़्यादा ब्लैक हेड्स एंड वाइट हेड्स का प्रॉब्लम रहता है तो मैं यहाँ पे ज़्यादा स्क्रबिंग करती हूँ। अगर आपको पूरे फेस पे प्रॉब्लम है तो आप पूरे फेस पे कर लीजिए, बट यू नीड टू बी एक्सट्रीमली लाइट इन प्रेशर। आपको बिल्कुल भी पुश नहीं करना है बिकॉज़ यू डोंट वॉन्ट टू डैमेज योर स्किन। तो आप बहुत ही लाइट हैंड से अपने पूरे फेस को अच्छे से इससे स्क्रब करेंगे। और ज़्यादा स्क्रब नहीं करना है, सिर्फ 5 to 7 minutes के लिए यू कैन गिव इट अ स्क्रब एंड देन यू कैन जस्ट वाइप इट ऑफ विद नॉर्मल वाटर। सो वाई आर वी डूइंग स्क्रबिंग, बिकॉज स्क्रबिंग से जो भी आपकी डर्ट है, क्लॉग्ड पोर्स हैं या फिर इम्प्योरिटीज़ हैं ऑन योर फेस, डेड स्किन सेल्स हैं या फिर वो टैनिंग है जो स्टक हो गई है आपके फेस के ऊपर, उन सेल्स को रिमूव करने में ये हेल्प करेगा। एंड सेकेंडली, ये आपके फेस पे ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करेगा बिकॉज यू आर गिविंग योर फेस अ मसाज।
तो आप जब अपने फेस को मसाज कर रहे हैं तो आपके फेस के ऊपर ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज़ हो रहा है, विच विल हेल्प यू इन गेटिंग दैट ग्लो. जो आपको फेशियल के बाद ग्लो आता है अपने फेस के ऊपर, वो आपको मिलेगा ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होने से. ठीक है, तो हमारा सेकेंड स्टेप कम्प्लीट हो गया यहाँ पे स्क्रबिंग का. नाउ विल प्रोसीड टू आर थर्ड स्टेप, विच इज़ प्रिपेयरिंग अ ब्यूटिफुल सा फेस मास्क फॉर योर सेल्फ. सो मास्क को प्रिपेयर करने के लिए हम अब यहाँ पे लेंगे अपना फर्स्ट इंग्रेडिएंट, विच इज़ 1 स्पून ऑफ बेसन, विच इज़ ग्राम फ्लोर. बेसन इज़ अ वेरी गुड क्लिनजर फॉर योर फेस, इट हैज़ अ लाइटनिंग इफेक्ट ऑन योर फेस. इससे अच्छा कोई मास्क का इंग्रेडिएंट आपके फेस के लिए नहीं हो सकता. आई एम अ फैन ऑफ बेसन एंड आई हैव यूज्ड इट फ्रॉम पता नहीं कितने एजेस से मैं बेसन यूज़ कर रही हूँ अपने फेस पैक्स में, एंड इट हैज़ गिवन मी अमेजिंग रिजल्ट्स. तो यहाँ पे हम लेंगे 1 स्पून ऑफ बेसन, उसके अंदर हम ऐड करेंगे अपना आज का मेन इंग्रेडिएंट विच इज़ टोमेटो जूस. तो यहाँ पे आप डालेंगे 1 to 1.5 स्पून ऑफ टोमेटो जूस. अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे अपना थर्ड इन्ग्रीडियंट विच इज़ टर्मरिक और हल्दी. अब हल्दी यहाँ पे आपको लेनी है कस्तूरी हल्दी या फिर अम्बा हल्दी, दोनों में से जो भी आपके पास अवेलेबल हो आप वो ले लीजिए. जो आपके किचन में खाना बनाने वाले के लिए जो हल्दी यूज़ हो रही है, मैं बोलूँगी आप उसको ट्राई कीजिए कि आप उसकी जगह पे ये दोनों अल्टरनेटिव्स ले सकें, बिकॉज वो वाली हल्दी आई एम नॉट श्योर कि आप जो यूज़ कर रहे हैं वो कितनी प्योर है, एंड इसका उसका जो इफ़ेक्ट है आपकी स्किन के ऊपर वो उतना नहीं होगा जितना कस्तूरी हल्दी का होगा. बिकॉज कस्तूरी हल्दी इज़ मेड फॉर स्पेशली योर स्किन, ये आपकी स्किन के लिए ही बनाई गई है. तो इसलिए ट्राई कीजिएगा कस्तूरी हल्दी के लिए. बहुत इजीली ऑनलाइन आपको कहीं भी मिल जाएगी, अमेज़ॉन पे इट इज़ रेडीली अवेलेबल, बहुत सारे ब्रांड्स हैं, या फिर ग्रोसरी शॉप पे भी आजकल अवेलेबल होने लग गई है, आप वहाँ पे भी ट्राई कर सकते हैं या फिर ऑनलाइन परचेज़ कर सकते हैं. तो यहाँ पे मैं ऐड करूँगी जस्ट अ स्मॉल पिंच ऑफ हल्दी, ज़्यादा नहीं लेना है. तो यहाँ पे हम जस्ट अ स्मॉल पिंच ऑफ हल्दी ऐड करेंगे. अब इसके अंदर हम नेक्स्ट इंग्रेडिएंट अपना ऐड करेंगे विच इज़ कॉफ़ी. तो हम यहाँ पे 1/2 स्पून ऑफ कॉफ़ी ऐड करेंगे. कॉफ़ी इज़ अ वेरी गुड एक्सफोलिएटर फॉर योर स्किन, या आपके स्किन को एक नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, एंड आपके जो भी एक्ने के मार्क्स हैं या डार्क स्पॉट्स हैं या अनइवन स्किन टोन है, सन टैनिंग है, तो उसमें कॉफ़ी प्लेज अ मेजर रोल. इट एक्सफोलिएट्स योर स्किन एंड आपकी स्किन की ब्राइटनेस को इंक्रीज़ करता है, आपकी स्किन पे एक ग्लो लेके आता है. सो वील ऐड कॉफ़ी इन दिस. एंड इसके अंदर हम अपना लास्ट इंग्रेडिएंट ऐड करेंगे, बिकॉज ये सब कुछ जो है ये पाउडरी फॉर्म में है, तो हम इसको थोड़ा सा मास्क की कंसिस्टेंसी देने के लिए यहाँ पे हम ऐड करेंगे मिल्क. अब मिल्क आपको कितना ऐड करना है वो आप अपनी कंसिस्टेंसी के अकॉर्डिंग कर सकते हैं. थिक पेस्ट रख सकते हैं या फिर आप उसको थोड़ा सा लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं. मिल्क के साथ आप क्वांटिटी के साथ प्ले कर सकते हैं. तो यहाँ पे आप ऐड करेंगे मिल्क. मिल्क इज़ अगेन रिच इन लैक्टिक एसिड, तो वो आपकी स्किन के ऊपर जो भी आप वो टैनिंग रिमूव करना चाहते हैं या अपनी स्किन को इवन करना चाहते हैं, तो उसके अंदर वो आपको बेनिफिट करेगा ही करेगा. ठीक है, तो ये थे हमारे इन्ग्रीडियंट्स फॉर द मास्क. ये सब हमने ऐड कर लिया. अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे एंड एक यूनिफॉर्म सा पेस्ट लाइक कंसिस्टेंसी बना लेंगे, विच वी कैन अप्लाई ऑन आर फेस. बना लिया. अब इसको आपको ब्रश की हेल्प से या फिर अपने हैंड से भी, अगर आपके हैंड्स क्लीन हैं तो आप अपने हैंड से इस पेस्ट का एक अच्छा सा लेयर अपने पूरे फेस के ऊपर लगाएंगे, इंक्लूडिंग योर नेक. आपने अंडर आई एरिया पे भी आप लगा सकते हैं, बिकॉज इसके अंदर कॉफ़ी है, इसके अंदर टर्मरिक है, तो आपकी जो वो डार्क सर्कल्स की प्रॉब्लम है ये उसको भी ट्रीट करने में बहुत ही हेल्प करेगा. तो आप पूरे अपने फेस पे और अपने नेक पे इसका एक अच्छा सा लेयर लगा लीजिए, एंड देन यू नीड टू लीव इट फॉर 15 to 20 minutes या अनटिल इट ड्राइज आउट. इसको लगा दीजिए, अपना आराम कर लीजिए, रेस्ट कर लीजिए, हैव अ कप ऑफ कॉफ़ी और जस्ट लाइट डाउन एंड रिलैक्स. एंड आफ्टर 15 मिनट्स आप नॉर्मल वाटर से अपने फेस को वॉश कर लीजिए. सो गाइज, दिस वॉज आर ब्यूटिफुल रेमेडी फॉर टुडे. आई एम श्योर ये आपको बहुत ही बेनिफिट करने वाली है वो जिद्दी सा सन टैन रिमूव करने. प्लीज़ डू गिव इट अ ट्राई एंड एक्सपीरियंस द रिजल्ट्स फॉर योर सेल्फ. आई एम श्योर आपको बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट्स मिलने वाले हैं इसके. एंड प्लीज़ डू कम बैक इन द कमेंट्स एंड लेट मी नो कि आपको इसके कैसे रिजल्ट्स मिले. And thank you so much for watching today's video. I'll come back very soon with another amazing home remedy. Thank you so much.